subscribe, get Adda247 and also download Adda247 app. Do not forget to like, share and subscribe. Get Adda247 and also download Adda247 app. Do not forget to like, share and subscribe. Get Adda247 and also download Adda247 app. Do not forget to like, share and subscribe. Get Adda247 and also download Adda247 app. Do not forget to like, share and subscribe. Get Adda247 and also okay, तो चलिए बेटा स्टार्ट करें. एवरीवन टेल मी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर. फटाक से बोलो बेटा, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस बालक, टेल मी फर्स्ट. हाँ चलिए, क्लियर है आई थिंक. तो हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टर करंट रिपल एंड बेटा कैपेसिटर लाइक रिपल्स ऑफ वोल्टेज. सो डियर फ्रेंड, यू नो वेरी वेल, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे कैन आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम रिपल्स ऑफ करंट एंड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रिपल्स ऑफ वोल्टेज इन द स्टेप डाउन चॉपर. तो सबसे पहले एक बार चॉपर का सर्किट देख लेते हैं. कुछ इक्वेशन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी बेटा, वो इक्वेशन देख लेते हैं. तो समवेयर हियर वी आर हैविंग सप्लाई वोल्टेज Vs, सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस Vs. दिस इज चॉपर स्विच बेटा, वी कैन से चॉपर स्विच. सो सम Vch, दिस इज सप्लाई करंट Is, दिस वन बेटा चॉपर करंट. समवेयर हियर वी आर हैविंग डायोड इन दिस फैशन एंड वी कैन राइट सम वोल्टेज Vd एंड सम करंट Id. ओके, समवेयर हियर बेटा वी आर हैविंग इंडक्टर L. So this current we want to represent by ILT, this voltage is VLT. Okay, somewhere here beta we are having capacitor. Okay, so capacitor, and generally we use beta polarized capacitor. So this is the polarized capacitor, some VC, and here beta we can mention our load. So somewhere here V0, and this current is I0. This is some ICT. Okay, ये कुछ कहानी है. चले इस स्टोरी को आगे बढ़ाएं. Everyone tell me. रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज. तो बेटा ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके थे बहुत सारे पॉइंट्स, तो इन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं. नाउ व्हाट विल बी द रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट. तो सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं बेटा, रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट. रिपल ऑफ बेटा इंडक्टर करंट. ओके, रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट मतलब एक हाई पॉसिबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आने की रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट से. एक बार सभी लोग बोलिए बेटा, टिल नाउ एनी डाउट रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट. तो एक बार मुझे करंट की वेवफॉर्म बताइए. ओके, वी आर कंसीडरिंग बेटा हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, सो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस वी वांट टू से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 हर्ट्ज. जनरली वी वांट टू टेक समथिंग लाइक दिस. नाउ बेटा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ करंट. as you know that we can draw linear nature of current. So current, inductor current will look like something. Inductor current beta will look like something. अच्छा, इसी में बात करें बेटा तो एवरेज करंट हम यहाँ कहीं शो कर सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस बेटा, दिस करंट IL एवरेज विल ऑल्सो बी इक्वल टू बेटा I0 एवरेज. सो IL एवरेज विल ऑल्सो बी इक्वल टू बेटा I0 एवरेज. अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा डेल IL, IL max and IL min. इसको लिख सकते हैं बेटा del IL. So this difference, my dear friend, this difference is called del IL. बस हमारा टास्क क्या है, del IL पता करना. हमारा टास्क क्या है बेटा, del IL find out करना. Hopefully this thing is clear. Del IL find out करना. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Now beta two cases बनते हैं. We assume that inductor current is continuous. Okay, so we can take beta case one. Observation करना. Case one chopper on, and in which range beta chopper is on? आप कहेंगे सर जी आसान है. Chopper is on in the range of beta alpha 0 to alpha t, where alpha is nothing but duty cycle. So chopper is on. जब चॉपर ऑन होगा बेटा तो इंडक्टर वोल्टेज क्या निकल के आ रहा था, कुछ याद करिए. सो नाउ बेटा माइनस वी एस प्लस वी एल प्लस वी नॉट. सो वी कैन राइट वी एल इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट डन. चेक करते रहना माइनस वी नॉट. ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, सेकंड केस. अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो बेटा, एल डी आई एल बाई डेल टी इज इक्वल टू बेटा वी एस माइनस वी नॉट. ओके, अच्छा इसी को चाहे तो रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एल डेल आई एल बाई डेल टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट. और अगर हम चाहें बेटा तो अरेंज कर सकते हैं, वेयर डेल टी इज नथिंग बट डिफरेंस इन टाइम एंड डेल आई एल इज नथिंग बट डिफरेंस इन करंट. नाउ सी बेटा इन दिस रीजन 0 टू अल्फा टी व्हाट विल हैपन. इन दिस रीजन बेटा 0 टू अल्फा टी व्हेन चॉपर इज ऑन, तो व्हेन चॉपर इज ऑन स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिफरेंस इन टाइम इज अल्फा टी माइनस 0. हम लिख सकते हैं बेटा हियर in this range del of IL is nothing but IL max minus beta IL min. Done. यही हमें निकालना है रिपल्स. एंड व्हाट विल बी द डेल टी फॉर द सेम रेंज इज नथिंग बट बेटा अल्फा टी माइनस 0 व्हिच इज इक्वल टू अल्फा टी ओनली. सो दिस वैल्यूज बेटा क्वांटिटीज वी कैन पुट हियर. नाउ बेटा आई वांट टू से सो डेल आई एल और एल भी लिखा ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल टी. डेल टी इज नथिंग बट अल्फा इनटू टी बेटा. And I want to write here beta is something L. Okay, L. So L del I L by alpha t, because del t is equal to beta alpha t is equal to Vs minus V naught. Is equation first I want to say. Is equation first beta I want to say. Hopefully this thing is clear. अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि del I L आप अपने जहन में रखना, del I L is nothing but I L max minus I L min. ठीक है, सेकेंड केस पे चलते हैं. Because we want to calculate ripple. आप चाहो तो बेटा ये भी एक रिपल का फॉर्मूला है. ओके जैसे अगर मैं चाहूं तो रिपल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल आई एल दैट मींस रिपल, और इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, देयरफॉर पीक टू पीक रिपल देयरफॉर पीक टू पीक रिपल्स ऑफ इंडक्टर करेंट is nothing but beta. This is also one formula. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, del IL is equal to this one beta is equal to Vs minus V naught divided by L into beta alpha into T. Okay, ampere. This is the one peak to peak formula. अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं. Now tell me the things are clear. लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा फॉर्मूला हमने इन जनरल नहीं सुना, वो अलग बात है बेटा, क्योंकि हम लोग ड्राइव करके एक रिजल्ट निकाल देते फाइनली. बट ये एक वे तो है ना यार, ये एक वे तो है बेटा. ओके, सो Vs minus V0 divided by L into alpha into T is the one representation of our peak to peak ripples of inductor current. Now बेटा तो इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन A. आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो. सेकंड केस हम बेटा ऐसे कर रहे हैं. सेकंड केस बिकॉज़ इंडक्टर करंट इज कंटीन्यूअस, सो इन द रेंज ऑफ अल्फा टी टू टी माय डियर फ्रेंड डायोड इज ऑन. अच्छा, जब डायोड ऑन होता है तो क्या डिस्कस किए थे बेटा, नाउ सी प्रॉपर्ली दिस बीसी इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू बीएल. तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली बेटा हियर बीसी इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू बीएल. ओके डन. नाउ बीएल को क्या लिख सकते हैं बेटा, एल डेल आई एल बाय डेल टी. ओके, नाउ सी प्रॉपर्ली बेटा अगर हम यहां से रीअरेंज कर दें तो L del IL इंडक्टर करंट रिपल डिवाइडेड बाय डेल टी इज नथिंग बट V0. अब del IL और del T देखते हैं क्या है. ऑब्जर्वेशन करना बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने पोलरिटी चेंज कर दी है वोल्टेज की इंडक्टर लिखते हुए, तो ये करंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव, बट पोलरिटी चेंज कर दी है इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, IL max minus IL min is equal to del IL for this range. और टाइम इंटरवल क्या है बेटा, T minus alpha T. तो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर देते हैं. So बेटा जी प्लीज माइंड इट, देयरफॉर del IL for this zone again IL max minus IL min. एक शॉर्ट में पॉइंट लिख लीजिए, because we already changed बेटा the polarity of the polarity of inductor voltage, the polarity of inductor voltage. अगर आप polarity चेंज नहीं करते तो फिर आप लिखते बेटा IL min minus IL max. You are getting point? अगर polarity चेंज नहीं करते बेटा तो आप लिखते IL max minus IL min. Sorry, IL min minus IL max. Now बेटा del T क्या हो जाएगा in the same situation? So del T is nothing but T minus alpha T. That means final time minus initial time. And this is nothing but beta 1 minus alpha into t. Hopefully this thing is clear. अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दो. So equation second हम ऐसे arrange कर सकते हैं वाला. L del I L is the same value. This one I L max minus I L min and del t is beta 1 minus alpha into t is equal to v naught. Let equation second. After rearrangement, let equation second. बिल्कुल आप लोग सीरियस नहीं लेते हो सब्जेक्ट्स को, खैर आपकी इच्छा है. So del IL. Now बेटा equation first और equation second. अगर हम equation first देखें तो बेटा this one. Now यहाँ पे आते हैं, ये भी एक representation of del IL है, तो del IL को बालक हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Therefore peak to peak ripple. Okay. So therefore बेटा peak to peak ripple. Just give me a few seconds. Therefore बेटा peak to peak inductor current ripple. Inductor current ripple. Current ripple will be क्या लिख सकते हैं बेटा del IL is equal to v naught into 1 minus alpha into t divided by L ampere. This is another peak to peak ripple. इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं बेटा B equation. This equation we want to say बेटा B equation. Clear? This equation बेटा we want to say B equation. अब हम ध्यान समझना बेटा ए और बी से भी कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं या हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ये है del I vs minus v naught एंड सेकंड ये है. अगला बेटा अगेन पीक टू पीक रिपल, प्लीज माइंड इट. अगेन बेटा पीक टू पीक रिपल ऐसे भी शो किया जा सकता है और पीक टू पीक रिपल देखो और लगा देते हैं और बेटा और यहां भी और लगा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं. So one formula beta peak to peak current is equation A. Second, sorry, equation A. Second formula of peak to peak current is equation B. Now beta third or from equation first and second. From equations beta first and second. From equation first and second. Check karte raho. From equation first and second. From equation first and second. चलिए ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा एल डेल आई एल डिवाइडेड बाई अल्फा टी इज इक्वल टू बेटा वी एस माइनस वी नॉट इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड आपके सामने ये रही बेटा वी नॉट इज इक्वल टू सेकेंड इज बेटा वी नॉट इज इक्वल टू एल डेल आई एल डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा इन टू टी इज इक्वेशन सेकेंड. दिस वन बेटा वी नॉट इक्वल टू समथिंग. नाउ दिस इक्वेशन इज सेकेंड. Now from equation first and second beta we want to drive del IL but with minimum number of unknown तो देखो बेटा v naught की जगह ये वैल्यू रख दे तो क्या लिख दें from equation first and second L del IL divided by alpha t is equal to Vs minus v naught की जगह ये वैल्यू रख दें. So बेटा we can write L del IL divided by 1 minus alpha into t रख दिया वैल्यू. Now, इसको इस साइड ले आए तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं बेटा एल डेल आई एल डिवाइडेड बाई अल्फा टी एंड माइनस माइनस प्लस बेटा एल डेल आई एल डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा इनटू टी इज इक्वल टू बेटा वीएस इज इक्वल टू वीएस. एल डेल आई एल कॉमन ले ले सो एल डेल आई एल कॉमन ले लेते ब्रैकेट में हो जाएगा वन माइनस अल्फा टी इंटू टी प्लस बेटा alpha t divided by this value alpha t into 1 minus alpha t is equal to Vs. Just rearrangement और कुछ नहीं बेटा. ओके तो इसको जरा खोलते हैं. सो L del IL इन ब्रेकेट बेटा तो देखो t ऊपर आ गया सो t minus alpha t plus बेटा alpha t divided by बेटा alpha t into 1 minus alpha t is equal to Vs. कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं साफ दिख रहे हैं अल्फा टी कैंसिल. सो नाउ फाइनली बेटा वी कैन राइट एल इनटू डेल आई एल ब्रैकेट टी बचा और टी से टी भी कैंसिल ये कैंसिल बेटा और इधर टी से ये टी कैंसिल तो फाइनली क्या हो गया 1 बाई 1 माइनस अल्फा इनटू टी इज इक्वल टू वी एस. नाउ बेटा फाइनली देयरफॉर डेल आई एल इज इक्वल टू बी एस इंटू एल्फा इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई एल इज द another beta peak to peak ripple formula. Okay, and this formula is really very, 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 very important. This formula is beta very, 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 very infinite times important. ये ध्यान रखना, peak to peak ripple of inductor current, peak to peak ripple of inductor current. तो एक बार जरा शुरू से देखते हैं बेटा, अगर हमें peak to peak inductor current निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम एनालिसिस की बात करें बेटा, here so our inductor current we assume that continuous है तो 0 to alpha t chopper on, alpha t to beta t diode on. When chopper on we wrote our KVL equation, so by the KVL equation L dil by dt or inductor voltage vl equal to vs minus v naught, after rearrangement beta we have written L del il by alpha t is equal to vs minus v naught. So what will be the del il is nothing but beta vs minus v naught and divided by L into alpha into t is the one formula. And similarly beta in the range of alpha t to t diode is on, so after rearrangement again beta we achieved another our peak to peak ripple equation is nothing but v naught into 1 minus alpha into t divided by L. And finally beta from equation second and third we can say after rearrangement this is the another peak to peak ripple current formula. But the last equation I want to say beta, this equation is C. So last equation generally we use to determine peak to peak ripple of inductor current. Why? Because this equation has or having beta minimum number of variables. Okay, just this equation depend upon Vs and alpha or t, you know very well, time period or frequency. ठीक है, I think these points are clear. ये तो एक बात हो गई बेटा. अब अगर हमसे कोई पूछे what will be the duty cycle for just continuous or discontinuous inductor current? What will be the duty cycle for just continuous or discontinuous inductor current? तो इसके लिए बेटा अपने पास तीन इक्वेशन है. देखो आप पीक टू पीक रिपल के लिए इक्वेशन ए भी यूज कर सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में एमएसक्यू आ जाए तो एमएसक्यू में उसने चार ऑप्शन दे दिए कि स्टेप डाउन चॉपर विद फिल्टर या विदाउट फिल्टर पीक टू पीक रिपल ऑफ इंडक्टर करंट का फॉर्मूला क्या होगा. एक ऑप्शन ये दे दिया तो ये भी सही है बेटा, एक ऑप्शन ये दे दिया तो ये भी सही है, और एक ऑप्शन ये दे दिया तो ये भी तो सही है. बट इन जनरल एज आई टोल्ड यू वी यूज बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, और सी डन. अब हम अगला मुद्दा उठाना चाह रहे हैं और वो ये है बेटा एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर. इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर, एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर, एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर व्हेन इंडक्टर करंट, व्हेन इंडक्टर करंट, इंडक्टर करंट इज जस्ट कॉन्टिन्यूअस, is just beta continuous, is just continuous. Okay, this is the another analysis when inductor current is just continuous, please keep in mind. चलिए इसको हम अगले पेज पे ले सकते हैं. तो when beta inductor current, छोड़िए, when inductor current is just continuous or beta just discontinuous, anything we can say just continuous और भी मैं लिख देता हूं बेटा और just discontinuous और बेटा just discontinuous, जस्ट डिसकॉन्टिन्यूअस. ये बात है, चाहे उसको जस्ट कॉन्टिन्यूअस बोलो चाहे जस्ट डिसकॉन्टिन्यूअस बोलो. नाउ बेटा इन द स्टेप डाउन चॉपर, ओके, विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर, व्हेन करंट इज ऑलमोस्ट लीनियर वी कैन एनालाइज दिस कन्वर्टर इन दिस फैशन. ये हो, ठीक है. इस केस में जरा मुझे करंट बताओ बेटा क्या होगी करंट की वेवफॉर्म. सो नाउ बेटा करंट वेवफॉर्म विल लुक लाइक समथिंग when inductor current just continuous or just discontinuous, something like this. ना तो पूरी तरह continuous है और ना ही पूरी तरह बेटा discontinuous है. Okay, hello sir, बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन किया सर आपका. चलिए कोई बात नहीं देवा बेटा, लेकिन अभी ना देवा आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस जाना पड़ेगा, 2-4 लेक्चर. ओके, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अगला. तो इंडक्टर करेंट बेटा ये है, देखिए दोनों में फर्क है. मैं लास्ट स्लाइड पे चलता हूं. ये हो गया आई एल मैक्स, ओके, ये हो गया बेटा अल्फा टी इन दिस रेंज 0 टू अल्फा टी चॉपर ऑन एंड हियर बेटा डायोड ऑन, ओके, डायोड ऑन एंड चॉपर ऑन, डायोड ऑन एंड बेटा चॉपर ऑन. ऑब्जर्वेशन करिए, क्या ऐसा कोई पीरियड है बेटा जिसमें दोनों डिवाइसेस ऑफ हो? नहीं, तो इसका मतलब बालक वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला अभी भी चेंज नहीं हुआ. सो हियर वी नॉट एवरेज इज स्टिल बेटा अल्फा इनटू वी एस. बहुत ध्यान सुनिए, V not average beta alpha into Vs. अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक्शन देखें लाइक डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, तो वो हो जाएगा बेटा वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाई बेटा वी एस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बेटा आई एस एवरेज डिवाइडेड बाई आई नॉट एवरेज। ये अभी भी ट्रू है, तो जब तक करंट बेटा प्रॉपरली डिसकॉन्टिन्यूअस ना हो तब तक सारी चीजें सही रहेंगी, ओके बेटा। सो वी नॉट एवरेज बाय वी एस इक्वल टू समथिंग। अभी भी करंट आप कॉन्टिन्यूअस ही मानिए, बस थोड़ा फर्क आ जाता है। कहां फर्क आ जाता है समझिए, क्या हम ये नहीं लिख सकते बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा, फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस, फॉर बेटा जस्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस इंडक्टर करंट बेटा IL min क्या होना चाहिए, IL min गारंटेड बेटा विल बी 0 एम्पियर। भाई ये हमें पता है, IL min बेटा गारंटेड 0 एम्पियर। देखो 0 0 0 एवरीवेयर मिनिमम करंट बेटा 0, बट व्हेन करंट इज कंटीन्यूअस देन IL min विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस एनालिसिस इज वैलिड फॉर बोथ थिंग्स बेटा, आइदर करंट इज कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस, विदाउट फिल्टर और विद फिल्टर, सभी में वैलिड है। बस इतना देखना है। ओके, चलिए, थैंक यू देवा। सो होपफुली दिस थिंग्स आर क्लियर। फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस इंडक्टर करंट आईएल मिनिमम इज 0 एम्पियर। देन आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब मेरा अगला पॉइंट ये है बेटा कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन की हो तो यहां पे जरा मैं आपको लेके चलता हूं इस पेज पे। देखो यहाँ पे बेटा हमने डेल आई एल सारे पॉइंट्स निकाल लिए थे रिपल के जितने पॉसिबल होते थे। ओके, और इस सर्किट को जरा मैं कॉपी करके आपके आगे ले चलता हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। दीपा बहुत सही से मेहनत करना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा अपने पास HPCL की, तो इसको मिस नहीं करना है किसी भी कॉस्ट पे, और बेस्ट तरीके से अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक। डन। नाउ बेटा एज आई टोल्ड यू, बहुत ध्यान सुनिए, एज आई टोल्ड यू बेटा इट इज आईएल एवरेज। नाउ अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, बेटा ये डेल आईएल है तो इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा डेल आईएल बाय 2, और हाफ भी बेटा डेल आईएल बाय 2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, डेल आईएल बाय 2 एंड डेल आईएल बाय 2। प्लीज माइंड इट, डेल आईएल बाय 2 एंड डेल आईएल बाय 2। अगला पॉइंट बेटा समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि यार आईएल मैक्स क्या होगा तो आप कहोगे सर जी आईएल मैक्स फ्रॉम हियर इट इज नथिंग बट बेटा आईएल एवरेज और आई नॉट एवरेज। उसमें बेटा कितना जोड़ दें डेल आईएल, भाई मिडिल में आपका आईएल एवरेज है ना, तो इसको ऐसे लिख दें आईएल एवरेज व्हिच इज आल्सो इक्वल टू आई नॉट एवरेज प्लस बेटा डेल आईएल बाय 2। ओके, आई वांट टू से बेटा दिस इज इक्वेशन डी। अगेन इंपॉर्टेंट, अगर कोई हमसे पूछे मैक्सिमम करंट थ्रू द डिवाइसेस कितनी होगी तो वो इतनी होगी। अब अगर हमसे कोई पूछे बेटा मिनिमम करंट थ्रू द डिवाइसेस कितनी होगी तो वो इतनी होगी। आईएल एवरेज में से बेटा अब नीचे आना है तो डेल आईएल बाय 2 कम कर दो। सो डेल आईएल बाय 2 इज द मिनिमम करंट ओके ऑफ इंडक्टर। तो देखिए हम रिपल की हेल्प से और एवरेज करंट की हेल्प से बेटा मैक्स और मिन भी निकाल सकते हैं। इसको बोल देते हैं इक्वेशन डी एंड ई। बेटा इक्वेशन डी एंड ई। तो सी डी ई ये तीन इक्वेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवा, हम लोग इसी रिस्पेक्ट में बेटा ट्राई करेंगे नाउ, ठीक है। तो अब हम चलते बेटा इस पेज पे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यार फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन आईएल मिनिमम विल बी गारंटेड 0। अब यहां पे हम तीन इक्वेशन ले आते हैं बेटा कंटीन्यूअस कंडक्शन की। सो ध्यान से समझना, फॉर कंटीन्यूअस कंडक्शन, फॉर बेटा कंटीन्यूअस कंडक्शन वी आर हैविंग 3 इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या थी, एक निकाली थी बेटा डेल आई एल पीक टू पीक रिपल इज वी एस इंटू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। एक तो ये निकाली है बेटा हम लोग, ठीक है। और एक इक्वेशन हमने निकाली बेटा आई एल मैक्स इज इक्वल टू आई एल एवरेज प्लस बेटा डेल आई एल बाई 2, ये भी तो निकाला है। और इसी तरीके से बेटा एक इक्वेशन हमने निकाली थी आई एल मिन इज इक्वल टू बेटा आई एल एवरेज माइनस डेल आई एल बाई 2, एक इक्वेशन हमने ये भी निकाली, ठीक है। सो दीज आर इक्वेशन बेटा सी डी एंड ई। बट प्लीज माइंडेड फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन। नाउ बेटा दीज थ्री इक्वेशन डेफिनेटली विल चेंज for the just continuous or discontinuous conduction because IL min is zero, because IL min is zero। Then आगे बढ़े इसको लेके, समझते रहना बेटा। Now for just continuous discontinuous, for just continuous, for बेटा just continuous और discontinuous conduction, conduction बेटा conduction equation C, D and E, equation C, D and E will reform। ओके, थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें, तो मैं पहले D लिखता हूं या E लिखता हूं। सो इक्वेशन E will transform like this। ओके, ध्यान दो बेटा, IL minimum is zero for just continuous और discontinuous conduction। तो अगर ये जीरो हो गया तो हम लोग ऐसे लिख दें बेटा, IL minimum is equal to zero is equal to बेटा IL average minus del IL by 2। समझ गए ना? अच्छा, जब कंटिन्यूअस कंडक्शन था तो आई नॉट एवरेज क्या था, आपको याद हो, आईएल मैक्स प्लस आईएल मिन डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं क्या है, तो ध्यान दो बेटा, जीरो, इसका मतलब आईएल एवरेज, जो कि बेटा डेफिनेटली आई नॉट एवरेज के भी बराबर है। नाउ दिस इज क्वांटिटी बेटा डेल आईएल बाय 2, दिस वन बेटा आईएल एवरेज एंड सो ऑन। सो डेल आईएल, एक एक पॉइंट कैच करो बेटा, IL min is IL average minus del IL by 2, so IL average or I not average equal to beta del IL by 2, so del IL को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, is nothing but IL max minus beta IL min divided by 2, done ना, divided by 2। और IL min क्या है अपने केस में बेटा, जीरो। ओके, IL min देखो, IL min यहाँ भी लिखा है और इसके अंदर भी एक छुपा हुआ है, तो वो तो हमने जीरो कर दिया था, अब एक ये और बाहर निकाल लिया। नाउ बेटा IL max by 2 is equal to this, so finally IL max is nothing but beta 2 times of IL average, or we can write beta 2 times of I not average। So for just continuous or discontinuous conduction, my dear friend, you can mention this is another equation, and really it is again important। तो पहली इक्वेशन ये आ गई बेटा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि करंट अपनी जस्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस है तो आईएल मैक्स क्या होगा, फटाक से आंसर दे दो, 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट एवरेज। डन। इस इक्वेशन को हम बेटा बोल देते हैं इक्वेशन एफ, इस इक्वेशन को बोल देते हैं बेटा इक्वेशन एफ। तो सी डी ई, इस टाइप से ए बी सी डी अपनी चल रही है। डन। अब बेटा इक्वेशन एफ तो हमने संभाल ली। नाउ कैन यू टेल मी इक्वेशन डी क्या होगी अगर रीअरेंजमेंट करें तो? फॉर इक्वेशन डी, नाउ इक्वेशन डी को अगर हम देखें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बेटा लाइक दिस। सो इक्वेशन डी, ई हमने संभाल ली। इक्वेशन डी बेटा आईएल मैक्स आईएल एवरेज प्लस डेल आई बाय 2। जरा इसको समझिए, इससे भी सेम रिजल्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन करना बेटा। आईएल मैक्स इज इक्वल टू आईएल एवरेज प्लस बेटा डेल आईएल इज नथिंग बट आईएल मैक्स माइनस आईएल मिन डिवाइडेड बाय बेटा 2। ऑब्जर्वेशन करो यार, ये तो जीरो हो गई ना, फिर से IL min is 0। Now बेटा IL max by 2 इस साइड ले आओ, तो रिजल्टेंट IL max by 2 is equal to IL average, so therefore बेटा IL average is equal to 2 times, थोड़ा बेटा ऐसे लिख देते हैं, IL max is equal to बेटा IL max is equal to बेटा 2 times of IL average। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन C और सॉरी इक्वेशन D और E से हमें तो एक ही बात मिल रही है ना। यस बेटा, दोनों से एक ही बात मिलेगी। अब इक्वेशन हम सी को पकड़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। नाउ बेटा अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से यहाँ पे कैच करना। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, प्लीज माइंड इट। अगला पॉइंट बेटा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और इंडक्टर। तो अगला पॉइंट लिख रहे हैं क्रिटिकल, बहुत ध्यान से, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस की जगह मैं ड्यूटी साइकिल पहले लिख लेता हूं बेटा। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल फॉर जस्ट कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन, फॉर बेटा जस्ट कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। ओके, कंडक्शन, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। तो ड्यूटी साइकिल कैसे निकालें फॉर जस्ट कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन, ऑब्जर्वेशन करें ड्यूटी साइकिल। नाउ ऑब्जर्वेशन करना बेटा, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, अब ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन सी लिखने का तरीका देखो, फ्रॉम इक्वेशन सी, और इसी से मैं आपको बेटा प्रूव कर दूंगा कि इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी क्रिटिकल। सो इक्वेशन सी थी बेटा डेल आई एल इक्वल टू वीएस इनटू अल्फा, वीएस इनटू बेटा अल्फा इनटू 1 माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाय एल। ये इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने। देखो डेल आई एल को क्या लिख सकते हैं बेटा, आई एल मैक्स माइनस आई एल मिन। सो दिस इज नथिंग बट बेटा आई एल मैक्स माइनस आई एल मिन। ओके नाउ आई एल मिन क्या है बालक, ऑब्वियसली दिस इज जीरो। अब यहां पे आ जाओ ना बेटा, आई एल मैक्स क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करना। सो वी एस इंटू एल्फा वन माइनस एल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई एल मैक्स, एंड आई एल मैक्स फॉर एनी टाइप ऑफ लोड बेटा इज टू टाइम्स आई नॉट एवरेज, इज टू टाइम्स आई नॉट एवरेज। ध्यान देना बेटा, इज टू टाइम्स आई नॉट एवरेज। नाउ ये एल्फा क्या हो गया, एल्फा क्रिटिकल। तो इस एल्फा को हम एल्फा सी आर लिख देते हैं अब, क्योंकि बेटा हमने आई एल मिनिमम जीरो रख दिया, तो अल्फा इज अल्फा सी आर, अल्फा सी आर, प्लीज माइंड इट बेटा, अल्फा सी आर। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो बेटा अल्फा सी आर इज नथिंग बट, अगर हम और इसको रीअरेंज करें तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि इज दिस इज द वन इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, दिस इज द वन इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। सो बाय दिस इक्वेशन बेटा, इसको कुछ इक्वेशन नाम देते हैं ई एफ जी। ओके सो बाय दिस इक्वेशन, बाय दिस इक्वेशन बेटा, by this equation we can find out beta, find out critical value of beta duty cycle, critical value of duty cycle। आप कहेंगे सर हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने तो कुछ और सिंपल पढ़ा है। मैंने कहा सिंपल समझते हैं। ओके ध्यान देना बेटा, ये स्टैंडर्ड है। अब सिंपल क्या है, सिंपल ये फॉर रजिस्टिव लोड, प्लीज माइंड इट बेटा, फॉर रजिस्टिव लोड, फॉर बेटा रजिस्टिव लोड। अब अगर रजिस्टिव लोड है तो बताओ आई नॉट एवरेज क्या होगा बेटा। आपने कहा सर मास्टर जी बड़ा आसान है, फॉर रजिस्टिव लोड आई नॉट एवरेज इज वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय आर, आई नॉट एवरेज इज वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय आर। लेकिन यही आर ई लोड होता तो हम क्या लिखते, वी नॉट एवरेज माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। ओके सो आर लोड के लिए तो ये कहानी है, वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय आर। ओके आर लोड के लिए साफ लिखा हुआ है फॉर रजिस्टिव लोड। तो देखो आई नॉट एवरेज की जगह बेटा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो दिस इक्वेशन वी कैन रिफॉर्म इज लाइक दिस, Vs into alpha critical 1 minus beta alpha critical into beta t divided by L is equal to beta I not average two times, so 2 into I not average equal to beta V not average by R, V not average divided by R। अब बेटा V not average क्या होगा, alpha into Vs, so 2 into alpha into Vs divided by R। बट ऑब्वियसली बेटा क्रिटिकल की बात चल रही है तो ये अल्फा भी क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा क्रिटिकल। नाउ कैंसिल करो कुछ, देखो नाउ ध्यान देना बेटा, Vs into अल्फा Cr, Vs into अल्फा Cr कैंसिल। अब रीअरेंज कर दो तो ये हो गया बेटा 1 माइनस अल्फा Cr क्रिटिकल इनटू बेटा T डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2 बाय R। सो फाइनली R इज नथिंग बट, रीअरेंज कर देते हैं बेटा तो ये हो जाएगा अल्फा क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2L बाई RT आफ्टर रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट। बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर रजिस्टिव लोड। एवरेज आई से जीरो कर दो बेटा, उससे भी आएगा बिल्कुल। ओके सो अल्फा क्रिटिकल बेटा 1 माइनस 2L बाई RT। क्लियर बालक यहां तक? डन, आगे बढ़े। यस वेरी नाइस। सो अल्फा क्रिटिकल आ गया बेटा। अब यहां से आगे बात बढ़ाते हैं कि सर जी लोड इंडक्टेंस की क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, लोड इंडक्टेंस की क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी। ऑब्जर्वेशन करना यार, लोड इंडक्टेंस की क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी। देखिए आप दोनों आंसर लगभग सेम जैसे दिखेंगे। सो अगला लिख रहे हैं बेटा क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, और जस्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन क्या होगा यार, इसको भी देख लेते हैं। फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। अब जरा ध्यान देना बेटा, इसका मतलब आई एल मिनिमम फिर से जीरो। तो आईएल मिनिमम हमने जीरो लिख दिया, ठीक है ना। बट इस बार बेटा अल्फा हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके लेकिन एल को फिक्स कर दिया गया फॉर द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ओके यस थैंक यू बेटा। आईएल मिनिमम जीरो। अब सिंपल क्या हम करते हैं, देखिए लोग क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, और एक फॉर्मूला रटे रहते हैं, वो फॉर्मूला बेटा कभी यूज होता है कभी यूज नहीं होता है, इसलिए जरा भावनाओं को समझे। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा आईएल मिनिमम आपने क्या निकाला था, जरा ध्यान देना, या मैं एक केस आपके साथ लिखता हूं, जैसे केस वन क्या लिखा था बेटा आपने, केस वन देखो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस के कितने फॉर्मूले डेवलप होते हैं। केस वन लिखा था आपने जीरो से लेके अल्फा टी में चॉपर ऑन, यही लिखा था ना चॉपर ऑन, और इसमें एक वोल्टेज इक्वेशन आई थी इंडक्टर की VL is equal to VS minus V0, और VL को क्या लिख सकते हैं बेटा L del IL by del T, ठीक है ना, del IL by del T। अगला पॉइंट समझना यार, VL is equal to something, so VS minus V0 बेटा is equal to L बेटा L, and here del IL is nothing but बेटा IL max minus IL min, और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टर सॉरी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालें फॉर जस्ट कंटीन्यूअस करंट और जस्ट डिसकंटीन्यूअस करंट, देन आईएल मिनिमम अगेन जीरो डिवाइडेड बाय बीटा डेल टी। डेल टी क्या होता है, अल्फा इनटू टी फॉर द फर्स्ट रीजन, अल्फा टी माइनस जीरो लाइक टाइम डिफरेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर बेटा। नाउ दिस वैल्यू विल बी जीरो, देखो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो वो फॉर्मूला नहीं आएगा जो इन जनरल आपको किताबों में मिल जाता है या कुछ और, भाई क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना वो किस बारीकी से पूछता है। तो देखो बेटा इस पॉइंट पे अगर आप आईएल मिनिमम जीरो करते हो और कोई आपसे कह दे कि ड्यूटी साइकिल बाकी चीजें सब फिक्स है, तो एल की वो वैल्यू बताओ जो करंट को जस्ट कॉन्टिन्यूअस या जस्ट डिसकॉन्टिन्यूअस करे। तो देखो सारी चीजें फिक्स हैं, सिर्फ एल ही वेरिएबल है, और अगर एल वेरिएबल है तो इसे हम एलसीआर लिख दे बेटा। नाउ दिस एलसीआर विल बी, तो एलसीआर विल बी इज इक्वल टू बेटा अल्फा टी इंटू वी एस माइनस वी नॉट, अल्फा टी बेटा into Vs minus V0 divided by beta IL max is the one formula of the critical value of inductance। लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोचते हो, वो अलग है, वो अभी आएगा। Yes, IL minimum zero, तो simple बेटा LCR equal to Vs minus V0 into alpha t divided by IL max is one formula to calculate critical value of inductance। एक बच्चा कह रहा सर हमें ये वाला यूज नहीं करना है, ओके हमें मान लीजिए दूसरा यूज करना है, तो मैंने कहा सेकंड केस बताओ क्या होता है। उसने कहा सर सेकंड केस ना अल्फा टी से टी के बीच में डायोड ऑन होगा चॉपर ऑफ हो जाएगा। मैंने कि ठीक है बेटा, जब डायोड ऑन होगा तो क्या होता है, तो उसने कहा सर जी VL इक्वल टू वी नॉट होता है और VL L डेल आई एल बाई डेल टी होता है। ओके जैसे अभी समझाया, अब वी नॉट इज इक्वल टू डेल आई एल हमें फिर से पता है आई एल मैक्स माइनस आई एल मिन, तो एल आई एल मैक्स बेटा माइनस आई एल मिन, और डेल्टी क्या होगा सर टाइम डिफरेंस फॉर दिस जोन, वो हो गया बेटा टी माइनस अल्फा टी, तो इसको लिखते हैं वन माइनस अल्फा इनटू टी, अभी डिस्कस किया तो वही। नाउ बेटा अगेन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, तो एलसीआर ओनली एल इज वेरिएबल और वी कैन एडजस्ट, बाकी सब चीजें क्या है फिक्स है। पहले केस में क्या था अल्फा एडजस्ट कर सकते थे, बाकी सब चीजें फिक्स थी। ओके तो आईएल मैक्स माइनस आईएल मिन, नाउ बेटा अगेन आईएल मिन जीरो, तो एल क्रिटिकल यहां से बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर जी ये तो बहुत अच्छा है, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से भी। नाउ दिस इज नथिंग बट वी नॉट, यहां देखना बेटा टी गायब हो गया, नहीं टी लिखा हुआ है। ओके नाउ बेटा वी नॉट इनटू 1 माइनस अल्फा टी, सीधे सीधे बेटा ये यहां डिवाइडेड बाय आई एल मैक्स, खत्म। इज द अनदर वे बेटा टू कैलकुलेट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस डन। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस नाउ ठीक है हो गया बेटा। अब आप कोई कहे कि सर ये तो फॉर्मूले नहीं दिए, नहीं दिए तो क्या करना, हमें तो पता है ना यार कोई भी मोड बेटा एल क्रिटिकल को डिसाइड करेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, हमें ये पता है बेटा पीक टू पीक इंडक्टर करंट रिपल, पीक टू पीक इंडक्टर करंट रिपल क्या निकला था फॉर्मूला बेटा, पीक टू पीक इंडक्टर करेंट रिपल, रिपल बेटा फॉर कंटिन्यूअस इंडक्टर करेंट, फॉर कॉन्टिन्यूअस इंडक्टर करेंट, कॉन्टिन्यूअस बेटा इंडक्टर करंट क्या निकाला था याद करो कंटिन्यूअस के लिए। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं बेटा वो जस्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो जस्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस के लिए आप कहेंगे सर अभी तो डिस्कस किया, आसान है del IL equal to alpha into 1 minus alpha into t into Vs divided by L, बट ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा, तो यहां लिख देते हैं बेटा देयरफॉर फॉर जस्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए बेटा हो गया, जस्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए बेटा हो गया आईएल मिन अगेन जीरो, अगेन जीरो। इक्वेशन को रीअरेंज करो बेटा, क्या इसको हम आईएल मैक्स माइनस आईएल मिन नहीं लिख सकते हैं? आईएल मिन, एंड माय डियर फ्रेंड हियर बेटा आईएल मिन विल बी 0, आईएल मिन विल बी 0, सो आईएल मैक्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर बेटा आईएल मैक्स इज इक्वल टू आईएल मैक्स बेटा यही वैल्यू रख दो, अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू टी इंटू वी एस डिवाइडेड बाई बेटा एल क्रिटिकल, आ गया आंसर। तो एक और फॉर्मूला आ गया एल क्रिटिकल का बेटा, एल क्रिटिकल का वो हो गया अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी इंटू बी एस डिवाइडेड बाई बेटा आई एल मैक्स। एक ये भी तरीका है। आपने कहा सर तीनों फॉर्मूले जो आपने बताए ये तीनों किताबों में नहीं है भाई, तीनों बुक्स में नहीं है, तो सर क्या करें बुक वाला फॉर्मूला? मैंने कहा आ जाएगा बेटा, डोंट गेट पैनिक, ओके आ जाएगा, ये इन जनरल है सभी सही है। अब कोई आपसे कहे बेटा कि सर जी और बताइए कुछ इसके बारे में, तो मैंने लिखा फॉर रजिस्टिव लोड, स्पेशली फॉर बेटा रजिस्टिव लोड, अगर लोड आर ई हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर एनी लोड एबव थ्री फॉर्मूलाज आर करेक्ट, बट बेटा फॉर रजिस्टिव लोड अब हम ये लिख सकते हैं, ऊपर वाले रजिस्टिव के लिए भी करेक्ट है, बट एक और रजिस्टिव लोड के लिए फॉर्मूला आ सकता है। रजिस्टिव लोड के लिए हमें पता है बेटा आई नॉट एवरेज इज नथिंग बट बी नॉट एवरेज बाय आर, रजिस्टिव लोड के लिए बी नॉट एवरेज बाय आर, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को जरा चेक करते हैं, तो एल क्रिटिकल इज इक्वल टू बेटा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू बी एस इंटू टी डिवाइडेड बाई आई एल मैक्स, आई एल मैक्स डन ना बेटा। अब ध्यान देना मैं थोड़ा लिखने का तरीका बदल दूं, सो इसको ना उठा के यहां ले आते हैं बेटा, ठीक है, और यहां लिख देते हैं अल्फा इंटू बी एस। ना ध्यान देना बेटा बी नॉट एवरेज इक्वल टू बेटा अल्फा इंटू बी एस इज इक्वल टू आई नॉट एवरेज इंटू आर, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा इज इक्वल टू आई नॉट एवरेज इंटू आर इन प्लेस ऑफ दिस इंटू बेटा 1 माइनस अल्फा इंटू बेटा 1 माइनस अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई आई एल मैक्स। और आई एल मैक्स क्या होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट एवरेज, 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट एवरेज, यहां से बेटा इसे हटाते हैं, ये हुआ कैंसिल। फाइनली क्या हो गया आई एल क्रिटिकल इज इक्वल टू, आफ्टर रीअरेंजमेंट चेक कर लो सारी वैल्यू, इज इक्वल टू बेटा आर इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2f, that means switching frequency, or we can write beta r into 1 minus alpha into t divided by 2. ये फॉर्मूला आई थिंक आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर रजिस्टिव लोड, दिस इज वैलिड बेटा ओनली फॉर रजिस्टिव लोड। यस बिल्कुल बिल्कुल, सो आई मैक्स इक्वल टू बेटा डेल आई एल। क्लियर बालक यहां तक? तो ये कहानी थी अबाउट क्रिटिकल इंडक्टेंस, क्रिटिकल ड्यूटी साइकिल एंड बेटा रिपल्स ऑफ इंडक्टर करंट। ओके अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कल, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर वोल्टेज रिपल, पीक टू पीक, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल फॉर सच टाइप ऑफ केसेस आल्सो। ओके तो इन पे बात हम कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू बेटा। एनी डाउट देवा और एनी अदर? यस तो चले बेटा फिर, है थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू देवा, एंजॉय बेटा, चलिए बाय बाय।